Hi guys, myself Rajat Goel and you are watching me on Goel classes. So today we are going to talk about a topic which is very important from the perspective of your mid-semesters and your end semesters, which any food technologist or a food science student must know. That is, we are talking about today about beverages. So basically guys, beverage को हम थोड़ा intro समझ लेते हैं इसका. Beverage are divided into two parts. One is alcoholic and another is non-alcoholic. So अगर आपका कोई beverage non-alcoholic है तो उसमें alcohol content 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कम होना चाहिए. अगर आपके किसी भी बेवरेज में आपका अल्कोहल कंटेंट 0.5% से ज्यादा है, that beverage will be considered an alcoholic beverage. अब इन दोनों में भी दो अलग कैटेगरीज हैं. Alcoholic beverage is divided into non-distilled and distilled beverage. Distilled beverage में आपका alcohol content 80% तक जाता है from 20% और non-distilled beverages में आपका alcohol content is limited to 12%. Non-distilled beverage में हमारा आता है beer और wine. Beer brewing के बारे में जिसके बारे में आज का ये लेक्चर है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. अब बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की. नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वो हैं जिनमें हमारे पास 0.5% से कम अल्कोहल है एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड. नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आपका जूस, टी, कॉन्सेंट्रेट, सिरप्स ये सब आ जाते हैं और कार्बोनेटेड में आपके जैसे कोलाज हो गई एंड सोडा हो गया, ये सब आ जाता है. सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं अनडिस्टिल्ड बियर के बारे में. सो देयर विल बी मोर लेक्चर्स अबाउट वाइन ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट एंड गेट गोइंग विद द प्रोसेसिंग ऑफ बियर. नाउ बियर में बेसिकली आपके चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं. फर्स्टली देयर इज अ सीरियल. सीरियल कैन बी एनी बार्ले, व्हीट, राई, एनी सीरियल विच हैज स्टार्च इन इट. Then you have water. Water plays a very major role in beer brewing. अगर if you want another video on specifically कि किस तरीके का water use होता है beer में, what are its specification, we can do another video on that. Then there is yeast which will ferment your sugars, and then we have hops which provide bitterness to your beer. So now let's get starting with the process of beer. Now in your beer. Firstly, suppose if you have chosen that you are making your beer with a malt. So सबसे पहले अब हमारे beer will be made with a malt. अब malting basically है क्या? आपने barley लिया. अब barley में आपके पास complex carbohydrates हैं. जी हाँ, आपके पास complex carbohydrates हैं जैसे starch या beta glucans. इनको yeast ferment नहीं कर सकता है. अब आपको अगर इनको फर्मेंट करवाना है सो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर शुगर्स. तो मोल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर्स. अब ये होगा कैसे? मोल्टिंग में बेसिकली इन मोल्टिंग वी विल डू जर्मिनेशन. अब जर्मिनेशन में क्या होगा? हाउ इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन? वी स्टीप, दैट इज वी सोक our barley grains in water and the moisture content of the grains will increase till 40 to 45% and you can increase it more. Keep it there at a relative humidity of 85% RH in a warm 37 degrees centigrade temperature and they germinate. Now what happens during germination is certain enzymes will act on your complex sugars like starches and will convert them into smaller and fermentable sugars. अब जर्मिनेशन वी डू नॉट वांट कि अब उसका पौधा बन जाए कि जर्मिनेट होते होते. सो वी हैव टू स्टॉप द जर्मिनेशन प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. अब इस जर्मिनेशन प्रोसेस को पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप करने के लिए वी डू किलिंग. किलिंग इज बेसिकली यू आर हीटिंग योर जर्मिनेटेड ग्रेन्स. अब व्हेन यू आर हीटिंग इट सो यू हैव टू हीट इट इन बेसिकली टू स्टेप्स. सबसे पहले यू विल हीट इट टिल 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे होगा क्या? यू विल सेव योर वेरी प्रीशियस एंजाइम्स जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, बिकॉज इन फर्दर प्रोसेस आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो भी हैं, जितनी भी टोटल स्टार्च है आपको फर्मेंटेबल शुगर में चाहिएगी। अगर वो फर्मेंटेबल शुगर में नहीं होगी, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द फर्दर प्रोसेस, जो हम डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर योर मॉल्टिंग इज कंप्लीट, सम पीपल विल डायरेक्टली टेक यू टू मैशिंग, बट नहीं बॉस, आपको मॉल्ट बनाने के बाद उसको मिल भी करना पड़ेगा। मिलिंग में बेसिकली आपको क्या करना है, अब व्हेन यू आर मेकिंग बियर, मिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके लिए बन जाता है। अब बेसिकली मिलिंग में आपके पास जो फुल बार्ले या व्हीट का जो एक एक ग्रेन है, उसके ऊपर आपकी ब्रैन है। अब जो ब्रैन है आपको ऐसे मिल करना होता है बियर में कि जो ब्रैन है वो हमारे पास फुल आने की कोशिश करे, और जो एंडोस्पर्म है उसको हम मिल कर दें। एंडोस्पर्म को हम मिल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैकेनिकल एक्शन से जो हमारा स्टार्च है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, विच विल हेल्प इट इन सोल्यूबलाइजिंग, जब हम मैशिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सो मिलिंग में हमें क्या चाहिए कि जो हमारा जो सीरियल ग्रेन है वो ब्रैन और एंडोस्पर्म में अलग अलग हो जाए। ब्रैन, हमें ज्यादा टुकड़े ब्रैन के नहीं चाहिए। अगर आपका ब्रैन मिलिंग के दौरान ज्यादा स्मॉलर पीसेस में हो जाएगा, इट विल कॉज बिटरनेस इन योर बियर। ठीक है, इस बिटरनेस को आप जो बियर की रियल बिटरनेस होती है उससे कंफ्यूज मत करिए। जो ये आपके ब्रैन होता है ये टैनिन्स को एडिशन करता है बियर में, जो हमें नहीं चाहिए हमारी बियर में। अब सिंस आफ्टर यू हैव डन योर मिलिंग एंड ब्रैन एंड एंडोस्पर्म अलग अलग हो चुका है, हम इसको मैशिंग के लिए लेके जाएंगे। अब मैशिंग जिस वेसल में आप करोगे उस वेसल को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, विच इज नोन एज एमटी और मैशर टन। मैशर टन बोलते हैं इसको। अब जो रेशियो हम करते हैं कि अगर हम 1 किलो मिल्ड बार्ले ले रहे हैं तो हम उसमें उसका 1.5 टाइम्स वाटर डालते हैं। और इस मैश टन में बेसिकली हो क्या रहा है, हम टेम्परेचर दे रहे हैं इस सीरियल और वाटर के मिक्सचर को, और उसमें जो एंजाइम्स हैं वो, ताकि उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट कर सके, जो कि है आपका माल्टोज और सुक्रोज। अब बेसिकली होता क्या है, मैशिंग के टाइम पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स which we can follow during mashing. So there are basically 3 types of profile. One is single temperature कि भाई आपने एक ही टेम्परेचर, सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अपनी पूरी 2 घंटे की मैशिंग कर रहे हैं। ठीक है, इट अप्रोक्सीमेटली टेक्स 2 to 3 hours फॉर मैशिंग। सो सिंगल टेम्परेचर इज आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरी मैशिंग अपनी कर दी है। नाउ another is a programmed type of mashing, that is you increase your temperature from maybe 40 degrees and you take it up to 70 degrees. There is a very specific significance of 70 degrees which I'll be telling you. Or there is a decoction type कि आपने basically concentrated form में, so उसमें जो slurry होगी आपकी या जो mashing होगी वो बहुत ही concentrated उसकी होगी। During mashing आप क्या कर रहे हो, आप उसको basically उसको घोल रहे हो जो आपका cereal है। अब यहाँ पे हमारे बेसिकली एंजाइम्स काम करते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉल या शॉर्ट शुगर्स में तोड़ेंगे। ठीक है, अब हम 40 डिग्री से शुरू करेंगे बिकॉज जो हमारी कॉम्प्लेक्स स्टार्च है वो एक प्रोटीन की मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सीरियल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, जो बार्ले या व्हीट जो हमारे ऐसे सीरियल्स होते हैं इनमें जो स्टार्च होती है वो फ्रीली ऐसे नहीं होती है। जैसे अगर हमने राइस लिया तो राइस में पूरा स्टार्च है, बट जो हमारे सीरियल्स होते हैं बार्ले या व्हीट, इनमें स्टार्च इज एम्बेडेड इन अ प्रोटीन मैट्रिक्स। तो हमें सबसे पहले वो प्रोटीन मैट्रिक्स को तोड़ना होता है। अब हम वो कैसे तोड़ेंगे, हम प्रोटियोलिटिक या प्रोटीएस एंजाइम जो है हम उससे तोड़ेंगे। अब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स वर्क करते हैं, एंड देन वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे हमारी स्टार्च सोल्यूबलाइज होती है या जेलेटिनाइज होती है। This means that starch is soaking up water, and then it will start, and then our alpha amylase and beta amylase. अब आपको ये याद करना है कि स्टार्च हमारी बनी किस चीज की होती है। स्टार्च बनी होती है दो कंपोनेंट्स की, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज इज अ सिंगल चेन ऑफ ग्लूकोज, राइट, एंड अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड चेन। सो द थिंग इज कि हमें वो ब्रांच चेन को तोड़ तोड़ के सिंपल फर्मेंटेबल शुगर्स में लेके आना है, विच इज डन बाय अल्फा माइलेज एंड बीटा माइलेज। And these two enzymes are very specific about their pH and their temperature, so you must learn this temperature. And this process is also known as saccharification. Yes, it's called as saccharification. Conversion of starch into simple fermentable sugars is called as saccharification. It happens at 70 degrees centigrade and at a pH of 5.5 to 6. अब जब आपका मैशिंग पूरा हो चुका है तो गाइज इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस बियर ब्रूइंग का। लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपने जो डाला है उसी से हम सब बनाने वाले हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या डाला था मैशिंग में? हमने डाला था ब्रैन, एंडोस्पर्म प्लस वाटर। अब मैशिंग हो गई हमारी, जितना भी एंडोस्पर्म में स्टार्च थी सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है सिंपल फर्मेंटेबल शुगर में। हमारे पास ब्रैन बचा है और हमारे पास पानी बचा है, तो अब जितनी भी वो शुगर है वो सब पानी में घुल गई है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम सपोज हम लोग घर में चाय बनाते हैं। अब एक बार चाय आपकी तैयार हो गई तो जो चाय पत्ती है यू सीव इट आउट, राइट, ताकि यू कैन गेट दैट लिक्विड और टी एंड यू थ्रो दैट सीव्ड या द टी लीव्स। सिमिलरली वी विल बी डूइंग दिस प्रोसेस हियर आल्सो। आफ्टर मैशिंग हमारे पास जो भी हमारी फर्मेंटेबल शुगर्स थी वो सब पानी में डिजोल्व होकर आ चुकी है। अब हमें बाकी का जो ब्रैन है वो हमें नहीं चाहिए, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। आफ्टर मैशिंग विल गो फॉर लॉटरिंग। लॉटरिंग इज नथिंग एल्स अदर देन अ सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। लॉटरिंग अब जिस वेसल में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लॉटर टन। जैसे मैशिंग जिस वेसल में हो रही थी हम उसको बोल रहे थे मैश टन, वैसी लॉटरिंग जिस वेसल में हो रही है हम उसको बोलेंगे लॉटर टन, LT, राइट। अब इसमें क्या है, हमने अपना सारा मैश्ड वाला जो था यहाँ पे डाला, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे वेसल में LT में एक फॉल्स बेड क्रिएट करा जाता है, ये जो एक सीव की तरह काम करता है। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रैन था, ठीक है, वो यहाँ पे एक लेयर बना लेगा इस सीव के ऊपर, और जो भी और जितना भी हमारे पास लिक्विड है वो सारा परकुलेट कर जाएगा यहाँ पे नीचे सीव के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, हम लोग ऊपर से और पानी भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसेस जो ब्रूअर फॉलो कर रहा है। हम ऊपर से पानी डाल सकते हैं सो दैट, क्योंकि जो हमारा मैश है वो थोड़ा थिक है, जो स्लरी है मैश की वो थोड़ी थिक है। अब उस थिक स्लरी को आप डायरेक्ट आप सारा शुगर्स नहीं ले पाओगे अगर आप ऊपर से पानी नहीं डाल रहे हो। सो दिस वाटर इज ट्रिकल डाउन फ्रॉम टॉप सो दैट इट टेक्स ऑल द फर्मेंटेबल शुगर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैश टू द बॉटम। Now this liquid which we have obtained after lautering is known as the wort. अब आगे से इसको हम wort कहेंगे। अब इस wort को हम क्या करेंगे? We'll boil it. अब because हम लोगों ने इसमें ऊपर से पानी डाला था, right? So now we have to fix a specific amount of fermentable sugars in our wort, so that हमने जो calculation करी है कि इतनी fermentable sugar हो, so that yeast will ferment it and produce alcohol. राइट, सो नाउ दीज आर अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस। हम इसमें ऊपर से अल्कोहल या स्पिरिट डाल नहीं सकते हैं, राइट जो होगा इसी में होगा, इसी वॉट से हमें उतने स्पेसिफिक अल्कोहल अमाउंट तक पहुंचना है, राइट तो हम उसके लिए हम लॉटर टन से जब हम जाएंगे तो हम बॉयल करेंगे सो दैट एक्सेस वाटर कैन बी बॉइल्ड ऑफ एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू स्टेरलाइज आर वॉट सो दैट so that there is no bacterial contamination and the excess proteins which will be there in our wort which we might have got from bran, उनको भी यहाँ पे denature हो जाएगा and we'll remove that excess denatured proteins. अब during boiling हमारे एक बहुत important ingredient beer का add करा जाता है which are hops. अब आप hops दो तरीके से add कर सकते हैं। Firstly you can add पूरे hops which are hop flowers which are available, or you can add processed hops which are hop pellets or hop oils. Now what do hops have in reality so that they provide a bitter taste to our beer. Beer is alpha acids. Hops have a specific chemistry, right? So since we are heating it to 100 degrees centigrade and hops go, and hops में acids हैं alpha acid and beta acid. Usually brewers prefer the varieties of hops which have high alpha acid content because beta acid stable नहीं होता, right? And it will lead, and it leads to oxidation. So when you are eating it, mostly आपका beta acid gets oxidized, right? So alpha acid is also known as humulone. इसका नाम है humulone, right? And beta acid को we also say lupulone, L-U-P-U-L-O-N-E. Now these humulones go through a thermal isomerization. Yes. After thermal isomerization, these humulones get converted into cis humulones. Now this cis humulone is a bittering compound, right? ये है जो हमारे beer को bitter taste देता है, cis humulone, right? Cis humulone जो है वो हमें हमारी beer को bitter taste देता है. Now once we have heated it to 100 degrees centigrade, we finally heat it to 120 degrees centigrade for about 3-5 minutes. And then we let off. अब आप beer में at this point of time भी आप hops डाल सकते हो. Now these hops are added because of their aroma qualities. Hop is a very essential ingredient जो आपके beer को aroma भी देगा, उसको bitter taste भी देगा. Hops also have a fruity flavor kind of a smell. So it will give that also. After boiling हो गई हमारा beer almost sterilized हो चुका है, जो भी bacteria है, जो भी contamination था हमने खत्म कर दिया. Now the important part is we cool down this beer to almost 10 to 12 degrees centigrade, and the most important part comes now, that is the fermentation. The fermentation will start after boiling and cooling the wort. अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत important चीज बताना चाहूँगा. There are two classification of beer itself, that is the lager beer and the ale beer. अब ये कैसे डिसाइड होता है कि आपका बियर लागर बियर है या एल बियर है, इज बाय द काइंड ऑफ फर्मेंटेशन दैट यू आर डूइंग. सो इफ इट्स अ लागर बियर, इट विल बी अ बॉटम फर्मेंटेड बियर, एंड इफ इट्स एन एल बियर, इट विल बी एन टॉप फर्मेंटेड बियर. नाउ गाइस, मैं आपको बता दूं हाउ डू यू डिसाइड इट, व्हाट आल्सो लेट मी टेल यू व्हाट इज बॉटम फर्मेंटेड, व्हाट इज टॉप फर्मेंटेड. बॉटम फर्मेंटेड इज बेसिकली जब आपकी फर्मेंटेशन पूरी हो चुकी है, the yeast will settle down in your tank, which is called as bottom fermentation, right? And in ale, your yeast will come up in your tank, which is called as top fermentation. ऐसे हम decide करते हैं कि it's a lager beer or it's an ale beer, which is a bottom fermented beer or top fermented beer. Lager beer के लिए जो हम strain yeast का use करते हैं, it is called as Saccharomyces cerevisiae Carlsbergensis. Why it's called as Carlsbergensis? Because Carlsberg के scientists and उनकी lab में this strain was made actually, and mostly industry uses this same strain. It is given to industries in small vials, and then we increase the yeast, right? तो अब हम fermentation कर रहे हैं. Lager beer की जो fermentation profile होती है, that is cold fermentation. यानी हम उसको ठंडे में रखते हैं इस yeast को, Saccharomyces cerevisiae Carlsbergensis को, and it produces produces ethanol from fermentable sugars, right? और जो ale beer होती है उसकी hot fermentation, मतलब थोड़ी सी temperature high पे fermentation होती है, 20 to 24 degree centigrade. अब इस fermentation को हम primary fermentation बोलते हैं. Now after this primary fermentation, you can go for maturation also. But modern breweries में जो हमारी primary fermentation और maturation में ऐसी कोई difference नहीं होता. They both are one and the same thing. Maturation basically इसलिए होता है because when yeast is metabolizing the fermentable sugars, वो कुछ secondary metabolites भी बनाती है, like your vicinal diketones. Some examples are like diacetyl, which gives a buttery flavor, or your acetaldehydes are produced, which give a green apple flavor. So इनको हम ताकि ख़त्म कर दें, इनको हम ताकि टेस्ट ना आए, इसलिए हम बियर को मैच्योर करते हैं. अब मैच्योरिंग में बेसिकली होता क्या है, आप बियर में से, अब आपकी जब प्राइमरी फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज यू हैव टेकन आउट द यीस्ट, ठीक है? अब जो फर्मेंटेशन होगी वो बहुत ही स्लो होती है, सो दैट इज वाई उसको हम मैच्योरिंग के लिए रख देते हैं, राइट। अब मैच्योरिंग बॉटल में भी हो सकती है, दैट इज आपने फर्मेंट करके बॉटल में बियर पैक कर दी और जब तक वो कस्टमर तक पहुंचती है बियर आपकी मैच्योर। तो बियर हमारी बॉटल में भी मैच्योर हो सकती है, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, अगर हमें इंडस्ट्री में रख के ही बियर को मैच्योर करना है, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज क्रॉसनिंग। अब क्रॉसनिंग में क्या होता है, आपने अपनी मैच्योरेशन वाली बियर जिसकी फर्मेंटेशन आप बंद कर चुके हैं, जिसकी प्राइमरी फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आप थोड़ी सी एक्टिव फर्मेंटिंग बियर मिला देते हैं सो दैट इट कैन मैच्योर मोर अर्ली एंड एट अ फास्टर पेस। सो दिस इज हाउ मैच्योरेशन कैन बी डन। बट आई विल टेल यू अगेन, मैच्योरेशन और फर्मेंटेशन में मॉडर्न ब्रूवरीज में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब वहाँ पे कोई दो अलग अलग स्टेप नहीं होंगे कि हमने पहले प्राइमरी फर्मेंटेशन करा उसके बाद हम मैच्योरेशन के लिए रख रहे हैं अपनी बियर को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट फर्मेंटेशन होगी एंड उसी के टाइम पे मैच्योरेशन भी साथ साथ हो जाएगी। अब आफ्टर फर्मेंटेशन जब आपका हो चुकी है पूरी फर्मेंटेशन, उसके बाद हमने अपनी यीस्ट निकाल दी है, इफ इट्स अ लागर बियर हमने बॉटम से निकाल दी है, इफ इट्स अ एल बियर हमने टॉप से निकाल लिया है, हम उसको लेके जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। अब फिल्ट्रेशन बेसिकली क्यों करते हैं, हमने यीस्ट निकाल तो ली है बट देयर विल बी स्टिल सम सस्पेंडेड यीस्ट लेफ्ट इन आवर बियर, ठीक है, हमारे उसमें रहेगी कहीं ना कहीं यीस्ट, तो हम वो पार्टिकल्स निकालने के लिए यीस्ट के, डेड यीस्ट के वो निकालने के लिए, या जो हमारे टैनिन्स बच गए होंगे उसके बाद भी, ठीक है, उनको निकालने के लिए हम फिल्टर करेंगे। हम लोगों ने फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन बेसिकली अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टैनिन क्या है, हेज क्रिएट करेंगे। सो यू मस्ट बी नोइंग कि बियर इज सर्व चिल्ड, मतलब मोस्ट प्रेफरेबल टेम्परेचर फॉर सर्विंग अ बियर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर पे देयर इज अ थिंग विच अकर्स, इट्स कॉल्ड एज द बियर चिलिंग हेज। ये हेज कौन क्रिएट करता है, ये हेज क्रिएट करते हैं टैनिन्स, ठीक है। अब टैनिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स, अब हमें क्या करना है, हमें वो हेज नहीं चाहिए। एवरीबडी लाइक्स अ क्रिस्टल क्लियर बियर, राइट, सो व्हाट वी डू इज वील फिल्टर द बियर, ठीक है, एंड रिमूव ऑल दोस टैनिन्स एंड हेज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। अब आप फिल्ट्रेशन किसी 2 स्टेप में भी कर सकते हो, 1 स्टेप में भी। टू स्टेप में बेसिकली आप पहले एक कोर्स फिल्टर लगाइए जिसमें आप बड़े मोर बिगर साइज सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर करेंगे, एंड देन यू पुट अ स्मूथ और अ सॉफ्ट फिल्टर जिसमें स्मॉलर सब्सटेंसेस जो है सस्पेंडेड उनको फिल्टर करेंगे। फिल्टरिंग मटीरियल कैन बी डाइएटमिशियस अर्थ और योर किसलगर फिल्टर और योर इसेनग्लास, राइट, सो एनीथिंग। Basically proteins have a charge and they get attracted to the filters. Filters have an opposite charge as that of the protein. So ऐसे हम filter कर लेते हैं। Filtration is basically to remove those suspended particles from the after fermentation. अब हमने क्या है, so basically beer is a carbonated beverage, right? And this CO2 is produced during fermentation also. But if you need more CO2 while you are packing your beer, तो आप उसमें और CO2 भी ऐड कर सकते हैं। वो हम फिल्ट्रेशन के बाद हम कर देते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन योर बियर इज कॉल्ड एज द ब्राइट बियर, राइट, आफ्टर फिल्ट्रेशन योर बियर इज कॉल्ड एज द ब्राइट बियर। हम CO2 ऐड करते हैं एंड अ प्रिजर्वेटिव KMS इज एडेड, राइट, प्रिजर्वेटिव KMS इज एडेड। अब जब हमारा ये पूरा एडिशन हो गया CO2 और KMS का, हमारी ब्राइट बियर तैयार है। उसके बाद हम उस बियर को पैकिंग के लिए भेज देते हैं। अब पैकिंग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्लास बॉटल्स में पैक कर सकते हैं, हम कैंस में पैक कर सकते हैं, हम पेट बॉटल्स में पैक कर सकते हैं, या हम केग्स में पैक कर सकते हैं। अब बेसिकली व्हाट आर केग्स, केग्स आर बिग ड्रम्स, आई वुड रादर से इन अ सिंपल लैंग्वेज। ड्रम्स हैं बड़े बड़े, आपने उसमें बियर डाल दी, वो आप बल्क में कैफेज या रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हो, ठीक है, एंड दे गिव यू दैट इन अ, दे पोर इट डायरेक्टली फ्रॉम अ टैप इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो वो कहीं नीचे से उन्होंने वो केग लगा रखा है एंड द बियर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दैट टैप, राइट। सो अब वो टैप से जब बियर आ रही है तो रादर देन पुटिंग CO2 इट आफ्टर ferment, after filtering, what do the cafes do is they take this beer after filtration और वो अपनी एक CO2 की लाइन लगाते हैं टैप पे, so that CO2 directly on spot उसमें ऐड हो जितनी भी उनको चाहिए। So this creates a better foam जो कि पसंद होती है यूजुअली लोगों को व्हेन दे आर हैविंग देयर बियर, राइट। सो दिस ऑलमोस्ट कंप्लीट्स आर बियर प्रोसेसिंग। इसके बाद देयर इज अ इक्विपमेंट्स व्हिच आई वांट टू टेल यू। प्रायर टू द इक्विपमेंट्स आई विल आल्सो टेल कि कहीं बार क्या होता है। सो हेयर यू आर मेकिंग योर बियर डायरेक्टली फ्रॉम बार्ले, राइट। अब बार्ले में जितना स्टार्च है उतना ही स्टार्च को कन्वर्ट करके आप फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट कर पाओगे। बट इन इंडस्ट्री सी दिस हैपेंस, they add other adjuncts. Now what are these adjuncts? These adjuncts add on to your fermentable sugars, like they can add sugar, they add sugar, sucrose, yes, they add sugar, you can add maize into it, basically which is starch, or you can add rice as an adjunct. Now these adjuncts are added at time of mashing, like you will add your rice or your maize at time of mashing so that जब आप फिजिकल एजिटेशन कर रहे हो तो वो सब एक साथ घुल जाए, वो स्लरी में आ जाए साथ में, राइट। एंड शुगर इज बेसिकली एडेड एट टाइम ऑफ बॉइलिंग सो दैट शुगर गेट्स डिसॉल्व प्रॉपर्ली। शुगर हम व्हेन इफ वी आर एडिंग शुगर इन द प्रोसेस देन वी डू नॉट ऐड इट ड्यूरिंग मैशिंग, वी ऐड इट ड्यूरिंग बॉइलिंग, राइट। सो दिस इज द टोटल ब्रूइंग प्रोसेस। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. We have our barley, we go for malting, in malting we do germination and then we go for kilning. After that we mill our barley, that is we take the bran out and the endosperm, we break the endosperm, we go for mashing, right. Mashing में हमने अलग अलग temperature पे mash करा है उसको, ठीक है, ताकि हमारा जो starch है alpha amylase और beta amylase 70 degrees पे saccharification में उसको starch को तोड़ सके fermentable sugars में, ठीक है। मैशिंग हुआ, मैशिंग के बाद लॉटरिंग है, लॉटरिंग में बेसिकली क्या है, लॉटरिंग में आपने फिल्टर कर दिया ताकि आपको जो सॉल्यूशन है जो वॉट है वो मिल सके, उस वॉट को हम तो बेसिकली फिल्टर कर दिया, उसमें ब्रांड आपका निकल गया, ठीक है। अब हम आगे गए लॉटरिंग से बॉइलिंग में आए, हम बॉइलिंग में बेसिकली हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है हॉप्स का, हमने हॉप्स डाले। हॉप्स में क्या होता है, हॉप्स में अल्फा एसिड होता है, बीटा एसिड होता है। अल्फा एसिड हमें ज्यादा प्यारा है, अल्फा एसिड को हम ह्यूमिल्यून बोलते हैं। ह्यूमिल्यून में थर्मल आइसोमराइजेशन होती है, उससे सिस ह्यूमिल्यून में कन्वर्ट होता है विच इज योर मेजर बिटरिंग सब्सटेंस। आफ्टर बॉइलिंग वी कूल इट, आफ्टर कूलिंग वी गो फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस तरह की है उससे डिसाइड होगा कि आपकी बियर किस टाइप की है, विच इज एल और लागर। लागर है तो बॉटम फर्मेंटेशन होगा, बॉटम फर्मेंटेशन का मतलब आफ्टर योर टोटल फर्मेंटेशन योर यीस्ट विल सेटल डाउन इन योर टैंक। अगर आपका एल बियर है, एल बियर में आपका टॉप फर्मेंटेशन होगा जहां पे यीस्ट आपकी फर्मेंटेशन के बाद टैंक के ऊपर फ्लोट करेगी एंड यू कैन स्किम योर यीस्ट। फर्मेंटेशन होगा लागर बियर का कोल्ड फर्मेंटेशन होता है, एल बियर का 20 to 24 स्लाइटली वार्म फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद यू माइट गो फॉर अ मैच्योरेशन प्रोसेस जिसमें आप अदर मेटाबोलाइट्स जो हैं उनको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हो, वेयर एज इन रियल इसकी ये होता नहीं है, मतलब देयर आर वेरी ब्लर्ड लाइन, दोनों साथ साथ होते हैं। दीज बोथ प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। उसके बाद आपने फिल्टर करा टू रिमूव द बेसिक कंपोनेंट्स व्हिच कैन कॉज हेज इन योर बियर, नोबडी लाइक्स हेज, यू वांट अ क्रिस्टल क्लियर बियर। उसके बाद आपने CO2 ऐड करा अगर करना है तो फॉर स्पेसिफिक लिमिट जो होगी आपकी, एंड KMS ऐड करा for as a preservative and then you pack it in bottle, glass bottle or anything which you want, right. So this is all what we have in the beer brewing process. Now one thing about the tanks in which these processes are taking place is we had previously cylindrical tanks like this, राइट। अब ये सिलेंड्रिकल टैंक के लिए हमको ये प्रॉब्लम क्या होता था, आफ्टर बॉइलिंग या आफ्टर फर्मेंटेशन हमको बियर ट्रांसफर करनी पड़ती थी किसी और चीज में सो दैट हम इसमें से यीस्ट निकाल सके, ठीक है। अब सिंस ये सिलेंड्रिकल टैंक है यीस्ट ऐसे सेटल डाउन करता नहीं था इसमें, सो नाउ देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ टैंक विच आर कॉल्ड एज सिलेंड्रिको कोनिकल टैंक, एज द नेम सजेस्ट दैट ऊपर ये सिलेंडर है बट नीचे दे हैव अ कोनिकल शेप। Now these cylindrical conical tanks are also called as uni tanks. Uni tank यानी एक ही टैंक जिसमें फर्मेंटेशन भी हो जाएगा और आप यीस्ट इसमें से निकाल भी लेंगे अपनी These are basically for bottom fermented, right? अगर top fermented है तो yeast हमारी ऊपर आ जाती है और हम उसको एक mechanical agitator, mechanical arm से हम उसको skim off कर लेते हैं, right? So this is specifically for lager beer. So these are the tanks, right? मैशिंग को हम मैशिंग जिस टैंक में होती है उसको हम मैशर टन बोलते हैं, लॉटरिंग जिस टैंक में होती है उसको हम लॉटर टन बोलते हैं. Thank you guys. So this was all about beer brewing. Now if you like this video, please do like it, share it and subscribe my channel. And if you need more of this kind of a content, please tell us and comment below. Thank you.